हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? राम राम जी सबको। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल है, तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, यूट्यूब फैमिली के साथ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई है। मुझे भी अभी मॉर्निंग में पता चला है। एक्चुअली हमारे घर बहुत जल्दी कोई नन्ना मेहमान आने वाला है, बॉय या गर्ल जो भी होगा। तो आज ही जो मैंने है चेक किया था तो उसमें हमारा मेरा जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव आया है। और अब भी किसी को भी नहीं पता मेरे अलावा, क्योंकि आज रवि को भी बहुत ही जल्दी, शायद सुबह 4-5 बजे वो निकल गए थे, उनकी कोई मीटिंग थी बाहर। यूवी स्कूल जा चुका है, पापा भी घर पर नहीं है, आज कहीं गए हुए हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये वीडियो ही बना लेती हूँ। तो वैसे मैं इस वीडियो को अभी बना रही हूँ, बट इसको मैं अपलोड कुछ टाइम बात करूँगी, अभी नहीं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो मैंने सोचा रवि को फ़ोन पे क्या बताना, मैं उनको सीधा रात को जब वो वापस आएंगे ऑफिस से तब उनको सरप्राइज़ ही दूँगी, यूवी को भी मैं तभी बताऊँगी। तो मतलब बहुत टाइम बाद ये खुशी हमें मिली है। हमारे पास यूवी है बट हमारे लिए दूसरा बच्चा भी इतना ही स्पेशल है, और उतनी ही मुझे मतलब एक एक्साइटमेंट भी है कि एक और छोटा सा बेबी हमारे घर आएगा। खुशी भी बहुत है, थोड़ा डर भी लगता है अंदर से कि सब कुछ कैसे होगा, ठीक होगा, कैसी तबीयत रहेगी। तो देखते हैं वो तो आगे कि क्या रहेगा, बट अभी फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ। और मैं रवि का भी जो रिएक्शन है वो, और यूवी का जो रिएक्शन है वो कैप्चर करूँगी कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये गुड न्यूज़ सुन के। तो अब मैं आपको सीधा शाम को मिलूँगी और तभी मैं उनको ये सरप्राइज़ दूँगी और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आएगा। देखिए हर किसी इंसान को पता है कि हमें बेबी चाहिए, वो प्लानिंग भी करते हैं, उस तहत सब कुछ होता है। बट हमारे हस्बैंड्स को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि हम कब चेक कर रहे हैं, क्या है क्या आएगा रिज़ल्ट, उन्हें इतना नहीं होता है। तो उनके लिए तो ये एक सरप्राइज़ ही होता है। एक माँ को ही सबसे पहले ये चीज़ पता चलती है, माँ को ही फीलिंग्स आती हैं। तो उनके लिए तो सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, पता तो होता ही है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम कब चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अभी ये है वो है। उन्हें ठीक है, हस्बैंड वाइफ मिलकर एक प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हाँ हमें बेबी अभी चाहिए नहीं चाहिए। तो ये उनके लिए तो वाकई एक सरप्राइज़ ही होता है। वो हमारे पास कोई 24 घंटे नहीं बैठे रहते देखने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं रवि का क्या रिएक्शन होगा, सबसे स्पेशल यूवी का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि मेरा कोई सिबलिंग आ रहा है। तो मैं देखना चाहती हूँ यूवी का क्या रिएक्शन होगा। और वैसे बहुत टाइम बाद हमें ये खुशी मिल रही है, बीच में बहुत कुछ मैसी हो गया था तो नहीं हो पाई वो चीज़ें। बट कहते हैं ना टाइम आने पे ही आपको सब कुछ मिलता है। आप कितनी प्लानिंग कर लो, कितना ही कुछ कर लो, सब धरा का धरा रह जाता है। जब वो चाहता है ना तभी वो खुशी आपको मिलती है, ये तो सच्चाई ही है, ये हमने देखा है ये चीज़। तो ठीक है गाइज, अब मैं आपको सीधा शाम को मिलूँगी और देखते हैं रवि का क्या रिएक्शन होता है। सो गाइज, अब शाम हो गई है और रवि ऑफिस से आ चुके हैं, बस वो भी चेंज करने गए हैं। और यू भी ये रहा, हेलो गाइज। तो बस अभी रवि जैसे ही आते हैं मैं उनको सरप्राइज देती हूँ, देखते हैं वो आने वाले होंगे। यू भी देखो पापा आ गए क्या? नहीं आए, देखो बाहर। तो देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। तो उसी बात साहब आ चुके हैं। हाँ जी, बैठिए, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या हुआ? अभी बताते हैं। हाँ जी सुभाष साहब, जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। तो आप अपनी आईज बंद करिए। क्या है बता दे, ऐसे बता दे, एक बार करो तो, जिसका आपको भी वेट था। अरे बंद करो, एक तो हम आपको सरप्राइज दे रहे हैं, ऊपर तो इतने हो। 1 2 3 सर, खोलो जरा। अरे जिसका आपको भी वेट था, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं चेकअप करूंगी। ओके, मुबारक हो, पॉजिटिव आया है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। आज आप जल्दी चले गए थे ना, उसके बाद मैंने चेक किया था। तो गाइस ये देखिए, आपको मैंने दिखाई दिया था, यूवी को भी बता देते हैं हम। यूवी, हां
छोटा बेबी आएगा हमारे घर। वाह आपके पेट से? और क्या, मेरे पेट से ही आएगा। क्या चाहिए आपको छोटा बेबी? छोटा बेबी चाहिए। क्या चाहिए भैया दीदी? सोचने दो, बोलो जल्दी। गाइस वेट कर रहे हैं, जल्दी बोलो। भाई भाई और चाहिए छोटा। हाँ। क्यों दीदी, क्या करेगी, पिटाई करेगी? हाँ। अच्छा हाँ। फिर आप अपने छोटे बेबी को लाड करोगे? हाँ, हाँ जी शिवा साहब, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? इतने दिनों से वेट हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ध्यान रखना अपना। जी बिल्कुल। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट होता है जब टाइम आता है, जब भी आपको वो चीज़ मिलती है। और यू भी 5 ईयर्स का हो चुका है, 5 साल बाद हमारे घर में फिर से छोटा बेबी आएगा, है ना यू भी? हाँ। फिर से खुशी आएंगी हमारे घर में और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम 4 नहीं है, 6 फिर हम 7 मेंबर हो जाएंगे। अभी हम 3 पापा और हमारे कालू धोड़ू और कालू को भी बताएंगे हम जल्दी ही। ऐसा नहीं है कि डॉग्स हैं वो, उन्हें सब समझ में आता है। उन्होंने यूवी के टाइम पे भी मेरी बहुत केयर करी थी, ये सच्चाई है, तो मैं उन्हें भी बताऊंगी। और शिवा साहब को मैंने सरप्राइज दे दिया है, मैं सुबह से वेट कर रही थी कब आए कब आए, ये थोड़ा लेट हो गए थे। ठीक है ठीक है गाइस, ये छोटा सा व्लॉग है आज का हमारा, जिसमें मैंने आपके साथ अपनी जो खुशी है वो शेयर की है। इसको मैं आज, जैसे मैंने आपको बोला था, बाद में करूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम सबको, सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। अपना ध्यान रखना। यस।